अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन आपके पास, चैप्टर नंबर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2। अब वो कहते हैं कि जी एक ओल्ड स्ट्रीट कार है जो कि फ्लैट कॉर्नर पे टर्न मार रही है 9.1 मीटर के रेडियस पे, 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। एंगल पूछ रहा है विद द वर्टिकल, यानी कंसेप्ट इसमें विद द वर्टिकल है, मेड बाय द लूजली हैंगिंग हैंड स्ट्रिप, यानी वो जो गाड़ी में आपके से हैंड स्ट्रिप है, वो जाहिर है जब आप टर्न लेंगे वो तो अपने इनर्शिया की वजह से अपने आप को बैलेंस करना चाहेगी, तो वो तिरछी हो जाएगी थोड़ी सी, उसका वर्टिकल के साथ एंगल मांग रहा है। तो पहले तो हमें वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसे ऐसे यूनिट्स में लेके जाते हैं तो 4.4 मीटर पर सेकंड बन जाएंगे आपके पास। फिर अब अगर हम इक्वेशन देखें एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्सेस, तो ये आपको वो मैंने इंक्लाइंड करके दिखाई है कि भाई ये वो आपके पास हैंड स्ट्रिप होगा। अब आप कहेंगे इसमें चूंकि ये बंधा हुआ है तो टेंशन अपवर्ड होगी, इस टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, फिर आपके पास वेट उसका डाउनवर्ड होगा, एम और सेंटीमीटर फोर्स उसके अपोजिट होगी। तो वर्ल्ड एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स कौन कौन सी नजर आ रही है, टी साइन थीटा और एम वी स्क्वायर बाई आर नजर आ रहा है, तो टी साइन थीटा बराबर है किसके, एम वी स्क्वायर बाई आर के। और वर्टिकल फोर्स कौन कौन सी नजर आ रही है, टी कॉस थीटा और एम जी नजर आ रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड के लिहाज से टी कॉस थीटा माइनस एम जी, तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर आ जाएगा। वन को टू से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड को डिवाइड करेगी तो टेन थीटा वी स्क्वायर बाई जी आर आ जाएगा। यहाँ से अब आपको वी भी पता है, जी भी पता है, आर भी पता है, सारी चीजें तो दे दी हैं उसने, तो आप थीटा निकाल सकते हैं, तो वो 12 डिग्री आ जाएगा विद द वर्टिकल। ये देखें विद द वर्टिकल ये बना हुआ एंगल, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।